वेलकम टू माय चैनल क्लियर खोटा में। और आज हम देखेंगे जेवर साहू और राम नारायण सिंह की जीवनी के बारे में। तो आइए अब हम देखते हैं जेवर साहू के बारे में। खोटा के पहले बैच में एमए पास करवाया, यानी खोटा भाषा में पहले बैच के एमए पास करवाया, यानी पास किए। जेवर सिंह मातृभाषा में कई रकम जैसे रचना कर रहा, यानी कितने प्रकार की रचना की मातृभाषा से रिलेटेड। इनका रचना में सामाजिक दशा के बखान पावल जा है, यानी इनका रचना में समाज के दशा के अनुसार बचाव के प्रति पाया जाता है। राम नारायण सिंह के जीवनी में जहाँ उनका समाज और राजनीतिक क्षेत्र योगदान की देखा गया, यानी योगदान योगदान को दिखाया गया है। तो आइए हम देखते हैं राम नारायण सिंह का योगदान और उनके जीवनी के बारे में। छोटा नागपुर एक सिरा राष्ट्रीय आंदोलन के नामी ग्रामी सिपाही बाबू राम नारायण सिंह के जन्म चतरा, यानी छोटा नागपुर एक सिरा राष्ट्रीय आंदोलन के नामी ग्रामी यानी गिने चुने सिपाही बाबू राम नारायण सिंह के जन्म चतरा तखन हजारीबाग जिला के हंटरगंज ठावे मतलब जगह हंटरगंज के तृतीय गाँव 1885 ईस्वी में भेल हलन, यानी हंटरगंज जिला के तृतीय गाँव में जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1885 ईस्वी में। इनका बाबू भोला सिंह एक साधारण किसान हला और उनके पिताजी एक साधारण किसान थे, तथा संगीत फारसी भाषा के विद्वान वाला। उनके अलावा उनके पिताजी संगीत फारसी भाषा के विद्वान थे। ये अपने नियर अपन छुआ गुला के मेहनती और बुद्धिगर रूप देखने चाहते थे, यानी जो राम नारायण सिंह के पिताजी थे भोला सिंह, वो अपने बाल बच्चे को मेहनती और बुद्धिगर यानी दिमागर रूप में देखना चाहते थे। ये वजह से यानी इसीलिए जय राम नारायण सिंह के जी पढ़ाई लिखाई 26 बरस से शुरू भेल हल, यानी इसलिए उनका पढ़ाई कम उम्र से ही स्टार्ट हो गई थी। इनकर चेहरा मोहरा ढंग ढांचर नामी कवि रविंद्रनाथ ठाकुर से मिल हलन, यानी इनकर व्यवहार इनका नेचर और इनका पढ़ाई लिखाई तेज वगैरह थे तो रविंद्रनाथ ठाकुर से मिलता था। इनकर जिंदगी के बारे बेस से देखले साफ पता चले है जे कि तरी गाँव के एक साधारण परिवारिक लड़को देश की आज़ादी खातिर अपन के बलिदान कर दिए पा रहे। यानी इनका जिंदगी अगर अच्छी नज़र से देखा जाए तो लगे कि अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह बात के काम मिले हैं जे वो हर समय जागरूक लड़ा और अगुआ नियर सहजक रहा हाला, यानी वो अपने देश के प्रति अपने झारखंड के प्रति हमेशा आगे रहते थे। लाख फजीहत अलू उनकर विश्वास और मानसिक सेवा भाव कामनाए हलन, यानी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो उसका विश्वास और मानसिक सेवा यानी मनुष्य का सेवा कभी कम नहीं होता था। आज हम इन पावा ही जे आज़ादी पूर्व की समस्या यानी आज हमें यानी वर्तमान में हम लोग जो देख रहे हैं कर रहे हैं बात आज़ादी के बाद हो के राजनीतिक चाटुकारिता और सर्वाधिकता राम नारायण सिंह बाबू का नए सवाल है। यानी राजनीतिक में कमी नहीं, राजनीतिक में कमी नहीं देखना पसंद करते थे। आज जो ही समस्या गुलाएं गज गजा है, यानी अभी भी समस्या की है। ऐसा समय हमीन वैसन पुरखा गुलाक याद कर रही थी अपन जिंदगी पहित समाज देश आर मन पता खातिर समित ले रहा, यानी उस टाइम हम लोग सोचते हैं बड़े बड़े महान पुरुषों के बारे में जो हमारे लिए बहुत कुछ करके गए हैं उनके बारे में सोचते हैं। ऐसा व्यक्ति की जीवनी जिंदगी से हम इनके मने हुई जागे है और प्रकृति प्रेरणा मिले, यानी वैसे व्यक्ति को सोच के हम लोगों के मन में कुछ करने को कुछ दिखाने का मौका मिलता है, करने को प्रेरणा मिलता है, यानी सीख मिलती है। बाबू राम नारायण सिंह ऐसे महान लोग रहते हैं, बाबू राम नारायण सिंह उसी में से एक महान आदमी थे। एक मामूली किसान के बेटा से लेकर भारतीय संसद के एक सफल सांसद के रूप में अपन प्रतिष्ठा कर ला, यानी एक मामूली किसान के बेटे थे उसके अलावा भारतीय संसद के एक सफल सांसद के रूप में अपन प्रतिष्ठा कर ला और सभी के हित अपन के निछावर कर दिला, यानी अपना सभी के चलते अपने निछावर कर दिया। इतिहास इस बात के गवाह है जो मातृभूमि का आज़ादी की लड़ाई में कते सपूत बुलाए हंसते हंसते अपन जान के गवाए दिल थी और कते तो जहले कंधार कोट अपन शरीर के बिलाए दिल थी। इतिहास ये बात को मानता है जानता है कि हंसते हंसते जो बॉर्डर में या फिर अपने देश की लड़ाई के लिए मरे और जो जेल में काल कोठरी में अपने शरीर को बिलाए दिल थे, यानी अपने शरीर को मिटा दिए। इनकर जिंदगी सुखे नाई बीत, यानी जो जो आज़ादी में सब मारे गए और जो जेल में कालकोठरी में बंद हुए उनकर जिंदगी सुखे नाई बीत, अच्छे से नहीं बीता। 1907 ईस्वी में हजारीबाग के ये वो किसान की बेटी छुआ उज्वला देवी से संग ब्याह हलन, यानी 1907 ईस्वी में हजारीबाग के एक किसान की बेटी से शादी हुई।
हुआ था। 1936 ईस्वी में अजोला देवी काल के गाले समाये गेला। 1936 ईस्वी में उनकी पत्नी मर गई। तब बाबू राम नारायण सिंह के संगत महात्मा गांधी के भेले, यानी उस समय महात्मा गांधी से संगति हुआ यानी दोस्ती हुआ। अभी भी हजारीबाग में अभी भी महात्मा गांधी का आश्रम देखने को मिल जाएगा। से समय विधवा विवाह एगो बड़ो बात है, यानी उस समय विधवा विवाह एगो बड़ो बात है, विधवा का विवाह करना बहुत बड़ा बात था। रामनारायण सिंह 1940-42 आन जात के विवाह करके समाज के आगे एगो बड़ मिसाल पेश कर रहे हैं। रामनारायण सिंह 1940-42 में दूसरे कास्ट से शादी करके अपने समाज में एक बहुत बड़ा मिसाल पेश किए। छोटा नागपुर कैसे महान राजनेता और लोक नायक के आखिरी बेरा दिल फाटे वाला हाल है। छोटा नागपुर के हीरो थे और उनका आखिरी समय दिल फाटे वाला हाल है, यानी मानने के कगार में थे। खुद रामनारायण सिंह के नाती फिर से प्रमोद कुमार हिंदी दैनिक रांची एक्सप्रेस की 26 जून 1983 के अंक उनके 24वीं पुण्यतिथि के लेखे लिखला, यानी 24वीं पुण्यतिथि 1983 में रामनारायण सिंह के जिंदगी अंतिम समय समाज का आगे बढ़े में गुजरल है, यानी उसमें लिखे थे कि रामनारायण सिंह की जिंदगी अंतिम समय में भी समाज को यानी आगे बढ़ाने में बीत गया। 1963 में 1963 तक वो दिल्ली रह के योगा आश्रम के मुख्य रूप से सेवा करते रहला, यानी 1963 ईस्वी में तक दिल्ली में रह के योगा आश्रम के मुख्य रूप से सेवा करते रहला, यानी मुख्य योगा आश्रम में मुख्य रूप में यानी हेड। वहाँ के अपन घुरल बाद गरीब दुखी की सेवा करते रहला, यानी वहाँ दिल्ली से आने के बाद वो गरीब लोगों को सेवा करते रहे। चित्रा कॉलेज के लिए अरे रांची जाए समय इनकर जी बालूमाथ के ठाम 23 जून 1974 ईस्वी में के दुर्घटना भई गई, यानी चित्रा कॉलेज से आने के क्रम रांची आने के क्रम में बालूमाथ में यानी बालूमाथ लातेहार के बीच में इनकर जीप एक्सीडेंट हो जाता है। चतरा सदर अस्पताल 24 जून के बिहान 9 बजे रामनारायण सिंह रामनारायण बाबू का एक सदा आँखें खातिर मुंडाई गया, यानी 24 जून के बिहान यानी 23 को एक्सीडेंट हुआ तो 24 जून के बिहान 9 बजे उनका देहांत हो गया। रामनारायण बाबू पढ़ाई लिखाई 6 बेरा शुरू भेल हलन, उनका पढ़ाई बचपने से हुआ था। 11 बच्छर उम्र कुछ दिन छोटकी जोड़ी, यानी 11 साल के थे उस समय, कुछ दिन के लिए छोटकी जोड़ी हजारीबाग लोअर प्राइमरी स्कूल पढ़ला। ओकर बाद जोड़ी मिडिल वर्नाक्यूलर स्कूल से 1902 ईस्वी में मिडिल परीक्षा पास कर ला। 1911 ईस्वी में सेंट जेवियर कॉलेज से आई परीक्षा पास कर ला 1911 में। और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संगीत ले, यानी 1911 ईस्वी में आई का परीक्षा पास की। उसके बाद देश रत्न जिनको मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संगीत ले, यानी उनके से दोस्ती हो गई रामनारायण सिंह को। 1913 ईस्वी में रिपन कॉलेज से BA की परीक्षा पास करके यूनिवर्सिटी कॉलेज कानून पढ़े लगा, यानी 1913 ईस्वी में रिपन कॉलेज से BA यहाँ ग्रेजुएशन करके परीक्षा पास करके यूनिवर्सिटी कॉलेज कानून पढ़े लगा। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद वो लॉ की पढ़ाई करने लगे। मैंने कहा आर्थिक स्थिति इतना ख़राब भई गई कि उसके बाद यानी स्थिति उनका इतना ख़राब हो गया कि छोड़ के 2 बजे तक असिस्टेंट सेंटलमेंट ऑफिसर की नौकरी कर ला, जकर में बहुत नाम भेलन, यानी आर्थिक स्थिति के कारण वो 2 साल के लिए जॉब किए और उसमें बहुत बड़ा नाम कमाए। पढ़े तो टाइम हलन, यानी नौकरी करते थे, उसके अलावा उनका मन फिर से पढ़ने का उतावला हुआ, इसलिए नौकरी छोड़ के यानी इसलिए वो नौकरी छोड़ दी और फिर कानून पढ़ने लगे, यानी फिर वो कानून की पढ़ाई करने लगे। ये तारीख 1919 में कानून की पढ़ाई पढ़ल बाद वकालती करे लगे, यानी 1919 के बाद वो कानून की पढ़ाई करल बाद वो वकील के रूप में करने लगे काम। पर अपन जन्म के याद आवे लगलन, पर अपने याद का जन्म आवे लगलन, यानी जहाँ वो जन्मे पटना पटेक्सी को छोड़ के अपन चतरा अनुमंडल औकात शुरू कर ला, यानी पटना में करते थे वकालती, वहाँ से छोड़ के अपने चतरा अनुमंडल काम करने लगे। यहाँ से अपन गांव घारे के लोग से सुख दुख बतिया के मौका मिला, कुछ दिन जाने माने वकील और समाज सेवक रूप में जाने जाए लगला, यानी अपने गांव शहर के थे तो यहाँ अपने मतलब से जीते थे, अपने अच्छे से जीने खाने पीने रहने लगे। उप सहमर्ता MDM के पदे सुभूषित रामनारायण सिंह रामनारायण बाबू महात्मा गांधी के एक आवाज़ पर सब कुछ दिया कि 1921 में असहयोग आंदोलन में झाँप दिला, यानी MDM के अनुसार महात्मा गांधी बोले तो उसमें बेझिझक हिस्सा ले लिए और अपना सारा चीज़ छोड़ के यानी त्याग। वो समय भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन शुरू कर ले, वकील के पड़ोया छविया गुला के न्यौता देल गेल, यानी उस समय जो महात्मा गांधी
अहिंसा आंदोलन शुरू की, उसमें से ओक्यू को भी इनवाइट किया गया था। रामराय सिंह के दिले जय देशभक्ति बीज अंकुरित हले फूनगे लागले और 1921 ईस्वी में शुरू में देश सेवा करे के कसम खैला। यानी रामराय सिंह के मन में भी था देशभक्ति, तो वह बीज अंकुरित यानी अंकुर हुआ उसके बाद फोन के लगने में पत्ता देने के कारण, तो यहाँ तो पत्ता का बात नहीं है, उनका मन और आंदोलन के प्रति काम करने लगे और अपना योगदान के। कई धाम जेहले दो ढुकला यानी कई कितने बार जेल भी गए। 1921 ईस्वी में दुपक्षर के कारावास सजा मिलने इनकर घर द्वार जेहले हो गए। 1921 ईस्वी में दुपक्षर के कारा सेवक सजा मिलने इनकर घर द्वार जेल हो गए, यानी कारावास मिला और इनका घर द्वार जेल हो गया। अब इसके आगे अगला क्लास इसी तरह का वीडियो अगर चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लियर कट। अगर आप लोग वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल सकता है आप लोग, क्लियर खट्टा सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में जाके, तो वहाँ वीडियो अवेलेबल मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लियर खट्टा।